नमस्कार, हिंदी के समाचारों में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य घटनाओं पर। रमजान ईद के पावन पर्व पर बोहरा समाज ने मनाई ईद, गले मिलकर एक दूसरे को दी शुभकामनाएं। खामगांव में टैंकर और बाइक की टक्कर में दो की मौत, दो घायल। माहूर पुलिस तहसील अन्न एवं औषधि प्रशासन के मुंह पर चपराक मारकर शिव भक्त एवं भीम भक्तों ने किया गुटखा तस्करी का पर्दाफाश। लाखों खर्च करने के बावजूद शहर के सैकड़ों नाले गंदगी से लबालब। बारिश प्रारंभ होने के बावजूद दरियापुर निवासी बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। और प्रतिबंध के बावजूद नांदुरा के वडनेर में खुलेआम मांस बिक्री, प्रशासन कुंभकर्णी नींद में। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब देखते समाचार विस्तार से। नेशनल हाईवे क्रमांक 6 पर 14 जून के दोपहर कंटेनर व दुपहिया वाहन में भीषण टक्कर हुई। इस हादसे में मां और बच्ची की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। दो घायलों को उपचार हेतु अकोला के अस्पताल में दाखिल कराया गया है। नेशनल हाईवे क्रमांक 6 पर 14 जून दोपहर 1 बजे देउलगांव से खामगांव की ओर मुक्ताई नगर तहसील के अंतुली निवासी भारत श्रीराम बढ़े अपनी मोटरसाइकिल क्रमांक MH 28 U 39 44 से खामगांव की ओर आ रहे थे कि अचानक सामने से अकोला जा रहे कंटेनर क्रमांक NL 01 N 8563 ने जोरदार टक्कर मारी। इस हादसे में 28 वर्षीय उषा संदीप कुंभिते व 5 वर्षीय जानवी संदीप कुंभिते की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई और इस दुर्घटना में भारत श्रीराम बढ़े उम्र 24 तथा संदीप कुंभिते उम्र 3 गंभीर रूप से घायल हुए हैं। दोनों घायलों को प्राथमिक उपचार कर अकोला रेफर किया गया। घटना के बाद ग्रामवासियों ने तमन्ना भाटिया पार्क रोड पर गतिरोधक बनाने की मांग को लेकर चक्का जाम किया। इस समय अकोला के थानेदार रफीक शेख के आश्वासन पर 2 घंटे तक थमी हुई यातायात शुरू की गई। इस घटना से परिसर में सन्नाटा छाया हुआ है। खामगांव से हमारे संवाददाता फारूक सर की यह रिपोर्ट। बीसी की संचालिका पर ठगबाजी का आरोप लगाकर अनशन कर रही महिलाओं ने आरोपी छाया आहूजा की पत्रकार परिषद के दौरान हंगामा मचाया। छाया आहूजा ने रुपए लौटाने के लिए पीड़ित महिलाओं से समय मांगा है। रामपुरी कैंप की बीसी संचालिका छाया आहूजा के घर के सामने बीसी के रुपए वापिस पाने के लिए कुछ महिलाएं अनशन पर बैठी है। उन ग्राहकों को रुपए लौटाने हेतु कुछ दिन की मोहलत मांगने के उद्देश्य से आज पत्रकार वार्ता ली गई। परंतु इस बात की भनक लगते ही आहूजा को पीटने के लिए बीसी वाले जा धमके। आपको पता है कि बीसी चलाना अनलीगल है, आपको बीसी चलाना अनलीगल है। आपने जितना पैसा बैच से चलाया वो भी अनलीगल तरीके से चलाया। जो लोगों ने आपके हस्बैंड को समझाने की कोशिश की, आपने उनके खिलाफ पुलिस पे कंप्लेंट करा, झूठी कंप्लेंट ली। 2 लाख रुपए लिया पुलिस वालों ने आपसे सेटलमेंट की। 2 लाख रुपए नहीं लिए सर, मैं बता दूं आपको क्या बात है। मेरे हस्बैंड को आपकी जॉब पे
लोग गलती मेरी है, उनको पहले भी दिमाग में एक बार आ चुका है, उनका खाना पीना बंद हो चुका है। आप मेरे से किसी आदमी मेरा एक डेढ़ का जो मेरे रिलेटिव है बाहर खड़े थे, तो उन्होंने जितने जोर से सर मुझे तो मारा था, जोर से मारा ना, जिसमें मैं बहुत डर गई, तो मेरा जो डेढ़ का लड़का है ना वो बया था कि भाई इतना उसको मार रहे हैं, मेरे हस्बैंड के लिए थोड़ा बहुत डर रहे थे। फिर उनकी क्या बात हुई, क्या किया, क्या लिया सर, क्या हुआ सर, जैसे ये बात हुई थी ना तो सब लोग मेरे ऊपर प्रेशर डाल रहे थे सर, पैसे कहाँ किए, कहाँ भी जा रहे थे तो काम नहीं कर रहा था सर, एक से तो करेज करेजिया मेरे घर पे आया, मुझे आपने पैसे कहाँ कहाँ किए, कैसे किए मैं बताइए, कहना सर मैं बताऊँ। दो दिन के बाद बोल को करेजिया आपकी फ़ोन आई कि भाई आपने पैसे कहाँ किए हैं, कैसे किए हैं, तो मेरी जो पूरी डिटेल मैंने दी थी तो वो पुलिस स्टेशन में पड़ी है, तो मैं डिटेल नहीं निकाल पा रही थी, मैं गई पुलिस स्टेशन, प्लस सर मुझे वो दीजिए लेकिन उसका जिराज करके आपको वापस दे दी, बोले काय के लिए आपको चाहिए वो, मैंने सर मेरे को सब हिसाब हिसाब मांग रहे हैं, कभी नगर सेवा मांग रहा, कभी फोन मांग रहा है, सब हिसाब आपके पास मिले जब मेरा फिजिया ले रहे, उन्होंने क्या बोला किसको देना नहीं आप इतने दिन बात करती। उसके बाद दूसरे दिन पे घर से आके भाई की मुझे फ़ोन आई, उससे मेरा पहले विवाह हो चुका था, उन्होंने मुझे फ़ोन किया, बोले छाया मैडम आपने मेरे भाई की भाई रिपोर्ट करवाई, बोला हाँ ना सर, बोले क्या हुआ मैडम, ऐसे मिलना भैया ऐसी ऐसी बात है, मेरे को साहब पुलिस स्टेशन में गई तो उन्होंने मुझे बोला रिपोर्ट लिखा, इसलिए मैंने रिपोर्ट लिखवाई, उनके भाइयों ने ऐसा भी बोला मुझे कि सर मतलब नहीं सर मेरे से गलती हो गई, मेरे से आपसे कोई दुश्मनी नहीं, एनसीआर सब लेके आई, रिपोर्ट भी लेके आई, उन्होंने हमारे ऊपर वो भी किया था, कार्रवाई भी की थी, मैंने दो दो रिपोर्टें दी इसकी, एक भी नहीं दो दो, उसको उसका पीसीआर दिया था चार दिन, दोनों लोगों ने उसके चार दिन तो कपड़े फाड़े थे, उसके पीसीआर के अंदर बैठा के पैसे दे रहे, इतने लफंगे लोग हैं, अंदर होकर मेरे को मालूम है पुलिस पैसे की भाषा समझता है, मैं पैसा फेंकूंगी तो मेरा कुछ दो दिन अंचल 24 घंटे उसकी गाड़ी चलती है, तो गाड़ी क्या पेशाब पे चलती है, क्या पेट्रोल पे चलती होगी ना गाड़ी, तो पेट्रोल भराने के लिए भी तो पैसे लगते हैं, आदमी नहीं कमाता, आप भी तो कम से कम समझो सच्चाई तो किस आंखों से पता चल जाती है, खोलो हमारी सच्चाई, अगर उसको किंतु उपस्थित पत्रकारों की वजह से यह मामला फिलहाल के लिए टला है। हालांकि ग्राहकों ने 3 दिन के अंदर रुपए लौटाने की मांग की, जबकि छाया ऊर्जा कुछ और दिन की मांग कर रही है, जिससे संचालक त्रस्त हो चुके हैं। छाया ऊर्जा ने बताया कि उनके घर के सामने कुछ ग्राहकों ने अनशन शुरू किया है, जिससे उन्हें परेशानी हो रही है, वे ग्राहकों के रुपए देने के लिए तैयार है मगर उनके भी रुपए दूसरे के पास अटके है, इसलिए ग्राहकों से समय मांगा जा रहा है। शेगांव तहसील अंतर्गत आने वाले ग्राम चिंचोली में पानी की भीषण समस्या आन पड़ी है। इस गांव में जिला प्रशासन ने जल समस्या के लिए किसी भी प्रकार की कोई उपायोजना नहीं की गई है। शेगांव तहसील अंतर्गत आने वाले ग्राम चिंचोली में भीषण जल समस्या के चलते ग्रामवासियों को पानी के लिए बहुत कसरत करनी पड़ रही है। वैसे तो चिंचोली गांव में कुछ महीने पहले ही बोरवेल और कुओं का जलस्तर पूरी तरह कट चुका था और इस गांव में 2-3 महीना पूर्व ही टैंकर से जलपूर्ति की जा रही थी। गांव में टैंकर पहुंचते ही पानी भरने के लिए ग्रामवासियों की गर्दी टैंकर पर टूट पड़ती है। हर कोई चाहता है कि उसे पानी जल्द मिल जाए। ग्रामवासियों का आरोप है कि इस गांव में जिला प्रशासन ने जल समस्या के लिए किसी भी प्रकार की कोई उपाय योजना नहीं की है। नहीं
आमदार साहबाला निवेदन है कि जेवनी नवदे पास आम चिंचुले गाँव फक्त 3 किलोमीटर है 3 किलोमीटर त्याने पानी पुरवठा नळ योजना आम गावाला करून द्यावी एवढीच आमची हर साल गर्मी में ग्रामवासियों को टैंकर से ही जलपूर्ति की जाती है। इस साल भी 2 टैंकरों से जलपूर्ति शुरू है। चिंचोली ग्राम की जनसंख्या करीबन 5,000 है। चिंचोली फाटे से लगभग 3 किलोमीटर दूरी पर नवोदय विद्यालय मौजूद है। यह शासकीय विद्यालय होने के कारण यहाँ जलपूर्ति उपाय योजना के रूप में यहाँ तक वारी हनुमान का पानी लाया गया है। ग्राम पंचायत यहाँ से नवोदय विद्यालय तक पाइपलाइन फिट करने का ठहराव देने के लिए तैयार है। अब प्रशासन ने इसे मंजूर करना चाहिए, अन्यथा जल किल्लत के कारण लोगों को ज्यादा परेशान होना पड़ेगा। क्या है हम चलो पानी होत नहीं को हाथ मुड़ते को पाय मुड़ते या टैंकर वर गर्दी की क्यों होते कोना कोना डोक्षे फुटले कोना काय फुटलो चलो पानी होत नहीं कोना हाथ मुड़ला कोना पाय मुड़ला काय करा काय काय जन जे कंबळले मुड़ले चलो कैसे पानी होत बदन टैंकर। इस समस्या की ओर जिला प्रशासन ने ध्यान देने की जरूरत है। खामगाव से हमारे संवाददाता फारूक सर की रिपोर्ट। नांदुरा तहसील अंतर्गत आने वाले ग्राम वडनेर भोलाजी में खुले में रास्ते पर मांस की बिक्री की जा रही है। इससे ग्रामस्थों को दिक्कतें आ रही है, लेकिन इस समस्या की ओर ग्राम पंचायत प्रशासन अनदेखी कर रहा है। नांदुरा तहसील अंतर्गत आने वाले ग्राम वडनेर भोलाजी के मांस विक्रेता रास्ते पर खुले में ही मांस बिक्री कर रहे हैं। इस संदर्भ में 24 जनवरी 2018 को ग्राम पंचायत ने एक ठराव पास कर मांस विक्रेताओं को स्वतंत्र जगह देने का आश्वासन ग्राम पंचायत द्वारा दिया गया था, लेकिन बावजूद इसके मांस विक्रेता खुले में ही रास्ते पर मांस बिक्री कर रहे हैं। ग्राम पंचायत द्वारा 5 महीनों से दिया गया आश्वासन पूरा न करने से यहाँ के नागरिकों में भारी रोष नजर आ रहा है। नागरिकों ने इस विरोध में गुजरी चौक से ग्राम पंचायत तक विरोध मोर्चा निकालकर ग्राम पंचायत प्रशासन का विरोध किया। इस मोर्चा का आयोजन ग्राम पंचायत सदस्य मनोहर पटाईत, सुमन भालेराव, गजानन करंकार ने किया था। इस दरमियान पवन भालेराव, डॉक्टर जोशी, किशोर हिंगे, शिवलाल अग्रवाल, अनिल धामोरे, संतोष बोंबटकर, विजय गव्हाड, मनोहर पटाईत, शांताराम बेलोकार उपस्थित थे। ग्राम पंचायत ने अगर मांस विक्रेताओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं की तो तीव्र आंदोलन छेड़ने का इशारा दिया गया है। ग्राम पंचायत कार्यालय पर भोजी कार्यालय पर निकाला गया। इसका उद्देश्य मासिक सभा 24/1/2018 को मांस विक्रेताओं को अलग से मार्केट उपलब्ध कराने के बारे में लिया गया था, लेकिन पाँच महीने होने के बाद में भी पंचायत प्रशासन ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। आज दिनांक 14 जून रोजी उघड्यावर मांस विक्रेत्यांना कायमस्वरूपी जागा देण्यात यावी असा ठराव ग्राम पंचायत ने घेतलेला असून त्यांना ग्राम पंचायत ने जागा देण्यात यावी जे उघड्यावर मांस विक्री करतात त्यामुळे रस्त्याने जाणाऱ्या महिला शाळेतील विद्यार्थी इतर आर्थिक शाळेतील विद्यार्थी निंबादेवी येथे जाणारे नाविक भक्त यांना त्याचा त्रास होत आहे। ह्या सर्व गोष्टी लक्षात घेऊन मार्गाने काम करीत असताना माझे पती पवन समाधान भालेराव यांना दिनांक 11 जून रोजी दिवे मारण्याचे पत्रसुद्धा पोस्टाने आलेले आहे। काही झाल्यास ग्रामपंचायत प्रशासन जबाबदार राहील। नांदुरा से हमारे संवाददाता पुरुषोत्तम भातुरकर की यह रिपोर्ट। नांदेड जिले का अन्न औषधि प्रशासन सोया है कुंभकर्णी नींद में। शॉप इंस्पेक्टर हफ्ता वसूली की चर्चा आम। शिव भक्त भीम भक्तों द्वारा माहूर शहर के गुटखा तस्करों पर कार्यवाही। तहसीलदार एवं पुलिस प्रशासन की मिलीभगत से पनप रहा है गुटखा व्यापार। आखिरकार गुटखा पकड़ने में सामाजिक कार्यकर्ता हुए सफल। सिंदखेड़ पुलिस की मदद से पकड़ा गया गुटखा। यूं तो महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा तंबाकू जन्य गुटखों पर पाबंदी लगाई गई है, बावजूद इसके आधे से ज्यादा महाराष्ट्र में गुटखा बिक्री बड़े जोरों पर है। माहूर शहर एवं पूरे माहूर तहसील में खुलेआम गुटखा बिक्री की जा रही है, लेकिन यहाँ का अन्न औषधि एवं पुलिस प्रशासन कुंभकर्णी नींद से उठने को तैयार नहीं होने से नागरिकों में काफी रोष दिखाई दे रहा है। वैसे तो माहूर शहर धार्मिक एवं पर्यटन स्थल है,
संपूर्ण भारत वर्ष से भक्तगण माता रेणुका देवी के दर्शन हेतु यहाँ पहुँचते हैं, लेकिन यहाँ हो रहे अवैध गुटखा बिक्री से सार्वजनिक एवं शासकीय कार्यालय धार्मिक स्थलों पर गुटखा शौकीनों ने थूक थूक कर अपनी लाल जबान गंदी कर ली है, गंदगी करते नजर भी आ रहे हैं, जिस वजह से माहूर तहसील की सभी ओर बदनामी हो रही है, ऐसी चर्चा यहाँ के सभ्य नागरिक कर रहे हैं। माहूर शहर में गुटखों के गोदाम भरे पड़े हैं, यहाँ से गुटखा तस्करों द्वारा गली चौराहों से लेकर संपूर्ण तालुकों में वितरित किया जाता है। इस संदर्भ में आरोग्य एवं कायदा सेवक सर्वपक्षीय शिव भक्तों ने बार बार अन्न एवं औषधि प्रशासन पुलिस प्रशासन को गुटखा बंदी की मांग की, लेकिन प्रशासन इसकी ओर अनदेखी कर रहा है। अन्य औषधि विभाग एवं गुटखा तस्करों ने मिलीजुली सरकार बनाई हुई नजर आती है, ऐसी चर्चा भी पूरे माहूर शहर में जोर पकड़ने लगी है। माहूर शहर के कई गोली भंडार अवैध गुटखा बिक्री का व्यवसाय बेखौफ करते नजर आते हैं, साथ ही साथ एक राजनेता का एक छोटा भाई भी इस गुटखा तस्करी में शामिल रहने की चर्चा आम जनता कर रही है। तहसील कार्यालय, पुलिस प्रशासन, थानेदार, अन्न एवं औषधि प्रशासन, इन सब के हाथ गीले रहने की वजह से यहाँ का गुटखा कारोबार बड़ी तेजी से फैल रहा है, जिसके चलते शिव सैनिक काफी रोष में बताए जा रहे थे। इसी के मद्देनजर कई जगह पर वह अपना मोर्चा जमाए हुए थे। इन गुटखा तस्करों पर तात्काल पाबंदी लगाने की मांग भी सर्वपक्षीय शिव भक्तों ने माहूर तहसीलदार को एक ज्ञापन सौंप कर की गई थी। होने वाले कार्यवाही पर सभी की नजरें टिकी हुई थी। बुधवार की रोज माहूर के युवा सेना तालुका प्रमुख विकास कपाटे एवं संभाजी ब्रिगेड के तालुका अध्यक्ष विशाल शिंदे एक जगह मोर्चा जमाए हुए थे। अचानक माहूर पुलिस स्टेशन के बिल्कुल पीछे गुटके से भरी टाटा सुमो क्रमांक MH23E8886 नजर आई, जो यवतमाल के किसी शेख महबूब के नाम से रजिस्टर्ड है। इस टाटा सुमो से गुटखा तस्कर अजीज खान, शमशेर खान, आकाश लोड़ते, सलीम खान, लाल खान सभी आर्मी निवासी गुटखा उतारते नजर आए, लेकिन विकास कपाटे तथा विशाल शिंदे को देखते ही यह तस्कर अपनी टाटा सुमो लेकर भाग खड़े हुए। इन सामाजिक कार्यकर्ताओं ने शिवभक्त, शिवसेना शहर प्रमुख निर्धारी जाधव, भीम शक्ति के तालुका अध्यक्ष सुभाष खड़से एवं कुछ पत्रकारों को भ्रमण ध्वनि द्वारा उक्त घटना की जानकारी दी। देखते ही देखते इन सभी ने गुटखा तस्करों का पीछा फिल्मी स्टाइल से करना शुरू कर दिया और बड़ी मशक्कत के बाद माहूर से 30 किलोमीटर दूर वाई के पास किनवट रोड पर तेजी से आ रही टाटा सुमो को सिंदकड़ पुलिस थाने के सहायक पुलिस निरीक्षक शिवरकर ने पुलिस कर्मियों की मदद से रोका और आरोपियों का धर दबोचा। इन आरोपियों से पूछताछ करने पर यह गुटखा आर्मी से लाने की बात आरोपियों ने कबूली है। इस कार्यवाही में करीबन 50,000 का गुटखा जब्त किया गया। इन आरोपियों पर कायदे से कार्यवाही करने का आश्वासन सहायक पुलिस निरीक्षक MD शिवरकर ने दिया है। वैसे तो यह कार्यवाही अन्न एवं औषधि विभाग ने करनी चाहिए थी, लेकिन यह विभाग नींद से जागने को तैयार ही नहीं रहने की वजह से सामाजिक कार्यकर्ताओं को यह कार्यवाही करनी पड़ रही है। माहूर से हमारे संवाददाता संजय घोगरे, सिद्धार्थ तामगाड़गे एवं जय अड़किने की एक खास रिपोर्ट। समाचार में वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइए, देखते रहिए विशेष न्यूज। होटल लैंडमार्क कॉन्टिनेंटल, सावजी व्यंजनों का स्वाद लीजिए स्पेशल सावजी रेस्टोरेंट में। डीजे पार्टी हॉल, एसी रूम्स, अपने चहेतों के लिए खास बर्थडे हॉल एवं मैरिज लॉन, खास फैमिली के लिए फैमिली गार्डन। होटल लैंडमार्क कॉन्टिनेंटल लग्जरियस बिजनेस होटल, अकोला रोड, ओल्ड नाका, बडनेरा, अमरावती। विदर्भ का सबसे बड़ा शोरूम बिजीलैंड में आराधना होलसेल शॉपिंग मॉल, होलसेल रेट में रिटेल बिक्री। आराधना संपूर्ण लग्न बस्ता, बनारसी शालू, डिजाइनर साड़िया, घाघरा ओढ़नी, सलवार सूट, ड्रेस मटेरियल, रेडीमेड कोट, शूटिंग शर्टिंग, टीनेज वेयर, किड्स वेयर,
फैशन ज्वेलरी, लाइफस्टाइल, शूज व सैंडल, होम डेकोर, मैचिंग। लेन नंबर L2, शॉप नंबर 43-48, बिजीलैंड कॉम्प्लेक्स, नांदगांव पेठ, अमरावती। आराधना होलसेल शॉपिंग मॉल, होलसेल रेट में चिल्लर बिक्री। आराधना। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। आइए देखते हैं अब 14 जून गुरुवार को जिला सामान्य अस्पताल में भव्य रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। जन जागृति हेतु अस्पताल से मोटरसाइकिल रैली भी निकाली गई। जिला सामान्य अस्पताल के रक्तपेढ़ी जनसंपर्क अधिकारी उमेश आगरकर की सुपुत्री स्वरा के जन्मदिन उपलक्ष्य में 14 जून को रक्तदान शिविर संपन्न हुआ। जरूरतमंदों को तत्काल रक्त उपलब्ध होने हेतु हर साल आगरकर परिवार की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है। इस दरमियान जिला सामान्य अस्पताल से जन जागृति हेतु मोटरसाइकिल रैली भी निकाली गई। इस रैली को जिला सामान्य अस्पताल के CS डॉक्टर श्याम सुंदर निकम, डॉक्टर गोविंद कासट, अजय साखरे ने हरी झंडी दिखाई। यह रैली इरविन अस्पताल से राजकमल चौक, चित्रा चौक होकर इरविन चौक में रैली का समापन हुआ। डॉक्टर श्याम सुंदर निकम ने रैली को संबोधित किया। सूर्याला प्रकाश दाखवण्यासारखा आहे। तदाची चळवळ अमरावतीकरांनी पुऱ्या भारताला एक खूप मोठा संदेश दिलेला आहे आणि तीच चळवळ यापुढे त्याच जोमानं चालू राहावी हा आमचा उद्देश आहे। पूरे दर्यापूर तालुका में पानी की भीषण समस्या आन पड़ी है। पानी की समस्या दूर नहीं की गई तो प्रहार स्टाइल आंदोलन किया जाएगा, ऐसा इशारा प्रहार जनशक्ति संगठन द्वारा दिया गया है। दरियापुर तालुका के ग्राम शिंगनवाड़ी, गायवाड़ी, थिलोरी, एवदा, कराशी, टाकरखेड़ा, महिमापुर व अन्य गांवों में भी पानी की भारी समस्या आन पड़ी है। दरियापुर तालुका खारपट्टा होने से जनता को बोरिंग के अलावा शाहनूर प्रकल्प के पानी का भी सहारा लेना पड़ता है। इस संदर्भ में जीवन प्राधिकरण को बार बार ज्ञापन भी सौंपे है, लेकिन पानी की समस्या दूर नहीं हुई। इस वजह से प्रहार जिला संपर्क प्रमुख प्रदीप वडतकर सह अन्य कार्यकर्ताओं ने अमरावती जीवन प्राधिकरण कार्यालय में ठिया आंदोलन कर दरियापुर की जल समस्या तत्काल दूर करने की भी मांग की है। मांग पूरी न होने पर प्रहार स्टाइल से आंदोलन करने का इशारा दिया गया। दरियापुर तालुक्यातील जीवन प्राधिकरण के अधीक्षक अभियंता चारतोड़ साहेब यांच्या कार्यालयामध्ये दरियापुर तालुक्यामध्ये जी 156 गावांची योजना है, ही योजना असून पण या दरियापुर तालुक्यातील गावांना पाणीपुरवठा सुरळीत होत नसल्यामुळे आज प्रहार संघटनेच्या वतीने या प्राधिकरणाच्या अधीक्षक अभियंत्यांच्या कार्यालयात आज आलो आणि दरियापुर तालुक्यामध्ये जे संबंधित अधिकाऱ्यांची मनमानी चालू आहे किंवा दिशाभूल करण्याचा जे प्रयत्न करतात त्याचा जाब या ठिकाणी आज विचारण्यात आला। संबंधित अधिकारी ज्यावेळेस आपण त्याच्याशी चर्चा करायला गेलो तर संबंधित इंजिनियरला सांगतात आणि इंजिनियर ठेकेदाराला सांगतो आणि ठेकेदार त्याच्या हाताखालच्या माणसा चपराच्या माणसाला सांगतो आणि ते पाहणी करायला सांगतो। ही बाब आज या चारतर साहेबांच्या लक्षात प्रहार संघटनेच्या वतीनं आज आम्ही आणून दिली आणि जर या समस्या लवकरात लवकर जर नाही सुटल्या तर प्रहार दरियापूर येथील कार्यालयात डांबर फासल्याशिवाय राहणार नाही याची जाणीवसुद्धा आज या ठिकाणी करून देण्यात आलेली आहे। त्यांनी त्वरित आश्वासन दिलं की उद्याच्या उद्या सदर गावांची पाहणी करून आम्ही हा प्रश्न मार्गी लावण्यास तयार आहोत आणि ते त्या तयारीला लागलेले आहेत। धन्यवाद। अमरावती अधीक्षक अभियंता सुरेश चारथने तत्काल दरियापुर के उपविभागीय अधिकारी देशकर को समस्या हल करने के आदेश दिए हैं। इस आंदोलन ने प्रहार जनशक्ति के प्रदीप चौधरी, अनिल होले, सुरेश ठाकरे, अविनाश कोलटक्के, अक्षय ठाकरे, गौरव इंगले, संदीप होले आदि उपस्थित थे। दरियापुर से हमारे संवाददाता किरण होले की यह रिपोर्ट। अमरावती शहर के बडनेरा में मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे के जन्मदिन के उपलक्ष में अमरावती मनसे शाखा द्वारा किसानों को अल्प दरों में सोयाबीन का वाटअप किया गया, साथ साथ वृद्धाश्रम में फलों का भी वितरण किया गया। मराठी लोगों की समस्याओं के लिए महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना सबसे पहले आगे आती है।
वैसे तो समस्या कोई भी हो मन से सबसे पहले दौड़ पड़ती है। मन से अध्यक्ष राज ठाकरे अपनी अनोखी भाषण शैली से शासन को समस्या छुड़ाने का आह्वान करते रहते हैं। वह अपनी भूमिका स्पष्ट रूप से रखने के कारण वो काफी लोकप्रिय नेता कहलाते हैं। जहां कहीं भी राज ठाकरे का भाषण हो वहां उन्हें सुनने लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती है। 14 जून को राज ठाकरे के जन्मदिन के उपलक्ष्य में पूरे राज्य में विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था। अमरावती शहर शाखा व बडनेरा शहर शाखा की ओर से मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे के जन्मदिवस पर बडनेरा में किसानों को अल्पदर में सोयाबीन के बैगों का वितरण किया गया और वृद्धाश्रम में पहुंचकर आश्रम में वृद्धों को फल का वाटप किया गया। इस कार्यक्रम दरमियान बडनेरा शहर अध्यक्ष प्रवीण डांगे, अमरावती शहर अध्यक्ष संतोष बद्रे, उपजिल्लाध्यक्ष संजय गवारे, राजू देवड़ा, बच्चू रेले, गौरव बांते, बबलू आठवले, अनिल अंबाडकर, उमेश राउत, निशांत तायडे आदि मनसे पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित थे। नियमों का उल्लंघन करने वाले 154 वाहनों पर यातायात पुलिस ने कार्रवाई की, जिसमें ऑटो चालकों का भी समावेश है। इस कार्रवाई से अवैध वाहनों धारकों में हड़कंप मचा हुआ है। यातायात नियमों का सरेआम उल्लंघन कर रास्तों पर बेखौफ वाहन चलाने वाले 154 दुपहिया चालकों से जुर्माना वसूलने की कार्रवाई बीते बुधवार को की गई। इस कार्रवाई में उन ऑटो चालकों का भी समावेश है जो यातायात नियमों को ठेंगा बताते हुए ओवरसीट यात्रियों का परिवहन कर रहे थे। बीते बुधवार को जो कार्रवाई की गई उनमें बगैर नंबर वाली दुपहिया तिबल सीट वाहन चालक दफा 283 के तहत नो पार्किंग वाले स्थान पर वाहन पार्किंग करने जैसे धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है। यातायात पूर्व तथा पश्चिम के कर्मचारियों सहित सभी 10 पुलिस थाना क्षेत्रों में भी इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। सर्वाधिक कार्रवाई सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में की गई, जबकि पूर्व तथा पश्चिम यातायात विभाग ने 25 ऑटो चालकों पर भी कार्रवाई की जो ओवरसीट ऑटो चला रहे थे तथा नो पार्किंग वाले स्थान पर खड़ी की गई 18 कार पर कार्रवाई तथा 2 कार को जामर लगाकर जुर्माना वसूला गया। बारिश के आगाज को देखते हुए मनपा प्रशासन ने शहर भर के सैकड़ों नालों की सफाई के लिए हजारों मजदूरों पर लाखों खर्च करने के बावजूद तमाम नालों में गंदगी लबालब नजर आ रही है। पहली बारिश में शहर में भागम भाग मची, मगर सावधान, मनपा का काम शुरू है, ऐसा चित्र शहर में है। शहर का मुख्य अम्बानाला पुलिया में मलबा अटकने पर निर्माण होने वाली स्थिति से सभी अवगत है, फिर भी आधे से अधिक नाले का मलबा नहीं हटाया गया। अमरावती शहर पर नाले की महाबाढ़ का संकट आज कायम रहने का डर है। शहर में छोटे बड़े कुल करीब 288 नाले हैं, उसमें से केवल 157 नाले की साफ सफाई अर्थात मलबा हटाया गया, फिर भी अभी 131 नाले मलबे से चौकअप है। अब तक मनपा में नाला साफ करने के लिए करीब 25,000 मनुष्य बल का इस्तेमाल किया गया, उसके लिए 60 लाख रुपए का प्रावधान करने के बावजूद केवल 50% काम हुआ। अब बारिश हो चुकी है और मलबा कभी हटाया जाएगा या अमरावती को मुंबई तो नहीं करेंगे, ऐसा प्रश्न निर्माण हुआ है। देखो शहर में जो है ना मनपा क्षेत्र जो है इसमें 5 जोन है, हाँ 5 जोन में एकून 251 नाले प्रस्तावित किए थे। 251 नाले बोले तो जो अड़चनी के जो बड़े नाले होते हैं ना, बड़ी नाली और अड़चनी की जिसमें वो सफाई नहीं होती, वो 251 प्रस्तावित किया था और उसमें समझो उसको लगने वाला जो मनुष्य बल रहता अतिरिक्त कामगार बोलते अपन उसको गए थे 24,855 मंजूर, 24,855 इतने उसके ऊपर मनुष्य बल मंजूर हुआ था अतिरिक्त कामगार, और उसमें से 107 नाले साफ हुए, 107 और 82 नालों के ऊपर काम चालू है अभी, और जो 62 जो है अभी वो नाले साफ होने के 62 और ये 2-4 दिन में पूरे हो जाएंगे। अमरावती शहर में फिलहाल 18 बड़े नाले व 19 उपनाले हैं, उसमें 16 बड़े नालों का मलबा हटाने का काम पूरा हुआ है और 2 बचे हैं। 19 उपनालों में से 15 नाले की साफ सफाई हुई और 4 बचे हैं। बड़े नाले और उपनाले का 85% काम पूरा करने का दावा मनपा के अतिक्रमण विभाग द्वारा किया गया है, मगर वास्तव में चित्र अलग है। बारिश शुरू होने के पूर्व सब काम पूरा होना चाहिए था, आज भी 2 बड़े व 4 उपनाले मलबे से लबालब है। विशेष यह कि अम्बा नाले के ऊपर अम्बा देवी मंदिर परिसर में जो पुलिया है उसका पिलर अभी भी मलबे से लबालब है।
मौसम विभाग ने अमरावती सहित विदर्भ में 13 दिन तक मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी है। ऐसी स्थिति में नाले में बाढ़ आई और पानी लोगों के घर में घुसा तो उसके लिए जिम्मेदार कौन, ऐसा सवाल नागरिकों द्वारा पूछा जा रहा है। बड़े नाले बोल रही क्या? बड़े नाले जैसा जो बड़ाली से चालू होता इधर अम्बा नाले से जाते हुए उधर जाता हो, माता खिड़की से उधर जो जाता है अम्बा पेट हो गया या गणेश विहार हो गया। हाँ जो हाँ 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 बड़े नाले जो उसको कच्चे नाले बोलते हैं बड़े नाले, वो जो बड़े नाले खाली वो फोकलैंड या जेसीपी से साफ हो सकते हैं। उसका भी जो अतिक्रमण विभाग है उनके तरफ उनका वो कार्य चालू है, वो जो डिपार्टमेंट है वो डिपार्टमेंट वो काम देख रहा है, उनके तरफ से उसकी सफाई का काम चालू है। अच्छा उन्होंने अभी उसकी क्या कैसी व्यवस्था की है नहीं मुझे मालूम हो, पर वो जो काम है वो डिपार्टमेंट के थ्रू है। शहर के बर्तन बाजार स्थित दाऊदी बोहरा मस्जिद में गुरुवार की सुबह रमजान ईद की नमाज पढ़कर बोहरा भाइयों ने एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी है। स्थानीय सराफा बाजार से सटे बर्तन बाजार स्थित दाऊदी बोहरा मस्जिद में गुरुवार की सुबह रमजान के पावन पर्व समाप्ति को लेकर आमिल शेख अली असगर भाई ने फजर की नमाज अदा करवाई। पश्चात सूरज निकलने के बाद ईद का खुतबा अदा किया गया। रमजान के मुबारक माह में 30 रोजे रख रोजदार अल्लाह की इबादत करते हैं, जिसके तहत गुरुवार को बोहरा भाइयों ने धूमधाम से ईद मनाई और नमाज अदा करने के बाद एक दूसरे से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी और शीरखुरमे के साथ ही नाश्ते का आनंद लिया। तत्पश्चात समाज बंधुओं ने देश में अमन शांति की दुआ की। इस दौरान बड़ी संख्या में बोहरा समाज बंधु उपस्थित थे। स्थानीय जिला सामान्य अस्पताल में विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्र तथा अन्य काम के नाम पर दलाली करने वाले दो लोगों को सिटी कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। समाचार में वक्त हो चला है यहीं पे रुकने का, चलते चलते एक नजर डालते आज के सुर्खियों पर। रमजान ईद के पावन पर्व पर बोहरा समाज ने मनाई ईद, गले मिलकर एक दूसरे को दी शुभकामनाएं। खामगांव में टैंकर व बाइक की टक्कर में दो की मौत, दो घायल। माहूर पुलिस तहसील अन्न एवं औषधि प्रशासन के मुंह पर चपराक मारकर शिव भक्त एवं भीम भक्तों ने किया गुटखा तस्करी का पर्दाफाश। लाखों खर्च करने के बावजूद शहर के सैकड़ों नाले गंदगी से लबालब। बारिश प्रारंभ होने के बावजूद दरियापुर निवासी बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। और प्रतिबंध के बावजूद नांदुरा के वडनेर में खुलेआम मांस बिक्री, प्रशासन कुंभकर्णी नींद में। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए VCN न्यूज। इसी के साथ YouTube चैनल पर भी आप VCN न्यूज देख सकते हैं। नमस्कार।